Mercy is reasonable in the time of affliction, as clouds of rain in the time of drought. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू अंडर सीपीसी। तो दोस्तों, फंक्शस ऑफिशियो करके एक लैटिन डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं हम। उसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी एक केस जिसका जजमेंट पास कर दिया गया हो, कब, जब दोनों साइड के पार्टीज की हेयरिंग हो गई हो, दोनों साइड को सुन लिया गया हो और एकदम फ्री एंड फेयर ट्रायल हो चुका हो कंप्लीट, तो उस केस को वापस रीओपन नहीं किया जा सकता। लेकिन द राइट टू फाइल फॉर अ रिव्यू पिटीशन जो है, ये एक एक्सेप्शन है इसका। ठीक है दोस्तों, अब क्या बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि ये रिव्यू का मतलब क्या होता है। तो रिव्यू का मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीज को री एग्जामिन करना। लेमैन टर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज को री एग्जामिन करना। अब किधर बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं इसको लीगल वे में जानते हैं। तो लीगल वे में रिव्यू कहां दे रखा है भाई, दे रखा है सेक्शन 114 कहां के, सीपीसी के। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई किसी, वो बेसिकली एम्पावर करता है किसी भी एक पर्सन को जिसका कोई केस हो और उसका केस का जजमेंट आ चुका हो, बट वो चाहता है, क्या चाहता है, कि उसका केस वापस से री एग्जामिन हो, जो जजमेंट पास किया गया है वो री एग्जामिन हो, उसे बोलते हैं वो उसकी। फिर वो क्या करेगा, वो फाइल करता है रिव्यू पिटीशन। ठीक है दोस्तों, अब इसके एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहला एसेंशियल है कि जो फाइल करने वाला बंदा होना चाहिए वो अग्रीव्ड पार्टी होना चाहिए, मतलब जो जजमेंट पास हुआ है उसका उस पे कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब वो जजमेंट डेटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपील नॉट फाइल, मतलब उस इंसान के पास ऑप्शन है, किस चीज का ऑप्शन है, कि वो जो डिक्री पास हुई है उसके ऊपर अपील कर सके, लेकिन वो अपील ना करके वो रिव्यू पिटीशन फाइल करता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो रिव्यू पिटीशन है वो अपील से पहले आएगा, अपील के बाद नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट कि अपील नॉट अलाउड, मतलब क्या कि भाई ऐसे कुछ कुछ डिक्रीज होते हैं जिसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, नॉन अपीलेबल डिक्रीज होते हैं, लेकिन स्टिल रिव्यू पिटीशन आप उस पर भी फाइल कर सकते हो। अब आगे किधर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। ये कहां दे रखा है, वो दे रखा है ऑर्डर 47 रूल 1 में। क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग रिव्यू पिटीशन। तो क्या बोलता है कि भाई कब जाके कोई एक कोर्ट रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी। सबसे पहला कि भाई जो अग्रीव पार्टी है उसने कोई एक नया मटेरियल फैक्ट या एविडेंस डिस्कवर किया हो जो कि केस से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा कि जब जजमेंट पास हो रहा था तो उस टाइम कोई एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ हो या लॉ हुआ हो, किससे, कोर्ट से। और तीसरा एनी सफिशिएंट रीजन। अब एनी सफिशिएंट रीजन का स्कोप बहुत वाइड है। ठीक है, तो इसको एक स्कोप देने के लिए केस लॉ है हमारे पास। कौन सा केस लॉ, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कब का केस लॉ है, 2000 का केस लॉ है। कब क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऐसा कोई भी रीजन जो कि कोर्ट बिलीव कर ले कि हाँ ये एक सफिशिएंट रीजन है, किस चीज के लिए, एक रिव्यू पिटीशन को फाइल करने के लिए। आप जानते हैं कि भाई रिव्यू पिटीशन फाइल कौन कर सकता है, तो रिव्यू पिटीशन वो फाइल कर सकता है जो उस जजमेंट से डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ हो, जिसे जो अग्रीव पार्टी हो। अब इसके लिए ना एक केस लॉ देख लेते हैं, वो केस लॉ कौन सा है, वो केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नरेश कुमार बद्री कुमार जगत वर्थ एंड अदर्स। ठीक है, ये केस लॉ कब का है, ये केस लॉ 2011 का। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई कोई थर्ड पार्टी भी अगर इम्पैक्ट कर रहा है उस जजमेंट से, अगर किसी थर्ड पार्टी को भी वो जजमेंट जो पास हुआ है इम्पैक्ट कर रहा है, तो भाई वो भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो इस जजमेंट से जिसको फर्क पड़ रहा हो वो भी चाहे तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा।